सो हेलो फ्रेंड्स, माय नेम इज राहुल तिवारी एंड यू आर वाचिंग माय यूट्यूब चैनल टेक्निकल राहुल। दोस्तों, सैमसंग एंड्रॉयड पाई का जो अपडेट है वो अपने लगभग जितने भी उसके यहाँ पे एलिजिबल स्मार्टफोन थे उनमें एंड्रॉयड पाई का अपडेट यहाँ पे रिलीज कर दिया है, सिर्फ सैमसंग गैलेक्सी J7 मैक्स को छोड़ करके। और यहाँ पे सबसे अच्छी गुड न्यूज जो है वो निकल करके ये आ रही है कि सैमसंग यहाँ पे एंड्रॉयड 10Q पे वर्क करने लगा है। सैमसंग अपने सारे स्मार्टफोन के लिए एंड्रॉयड 10Q का जो सॉफ्टवेयर है उस पर वहाँ पे वर्क करना स्टार्ट कर दिया। सैमसंग ने यहाँ पे अपडेट डाली है कि हम बहुत जल्दी अपने सैमसंग गैलेक्सी S10, S10 Plus और S10e के लिए Android 10Q का जो टेस्टिंग वर्जन का अपडेट है वो यहाँ पे रोल आउट करना स्टार्ट कर देंगे। अब यहाँ पे हैरानी की बात ये है कि अभी Android 10Q जो है वो ऑफिशियली गूगल की तरफ से लॉन्च भी नहीं किया गया है और सैमसंग यहाँ पे Android 10Q के सॉफ्टवेयर के लिए वर्क करने लगा है। मतलब सैमसंग सॉफ्टवेयर अपडेट वगैरह को लेकर के काफ़ी ज़्यादा यहाँ पे सीरियस है और काफ़ी ज़्यादा अपने सारे स्मार्टफोन को मतलब फास्टली अपडेट प्रोवाइड करने की कोशिश कर रहा है। अगर मैं बात करता हूँ यहाँ पे 2019 में, तो जो Android पाई का अपडेट है वो बहुत तेज़ी से यहाँ पे रोल आउट हुआ है। काफ़ी सारे ऐसे स्मार्टफोन कंपनी अभी भी हैं जिनमें जिन जो कि अभी एंड्रॉयड पाई का अपडेट अपने सारे एलिजिबल स्मार्टफोन के लिए प्रोवाइड नहीं करा पाई हैं। तो सैमसंग इस मामले में काफ़ी सारे फास्ट है और यहाँ पे जितने लोगों का स्मार्टफोन यहाँ पे एंड्रॉयड 10Q के लिए एलिजिबल है, मतलब जितने भी स्मार्टफोन यहाँ पे एंड्रॉयड 10Q के लिए एलिजिबल हैं उनको बहुत जल्दी यहाँ पे एंड्रॉयड 10Q का अपडेट भी रोल आउट होना स्टार्ट हो जाएगा, जिस तरह से सैमसंग यहाँ पे जितनी फास्ट तरीके से यहाँ पे वर्क कर रहा है। यहाँ पे सबसे पहले जो अपडेट होगा वो सैमसंग गैलेक्सी के मतलब फ्लैगशिप सीरीज को मिलेगा, जो कि है सैमसंग गैलेक्सी S10, S10 Plus और S10e और इसके साथ नोट 8, नोट 9 वगैरह जितने भी यहाँ पे एलिजिबल स्मार्टफोन है जो कि फ्लैगशिप सीरीज के हैं, तो उनको यहाँ पे लगभग 2019 खत्म होते होते एंड्रॉयड 10Q का जो अपडेट है वो देखने के लिए मिल जाएगा। तो काफ़ी अच्छी बात है जितने लोग यहाँ पे सैमसंग के स्मार्टफोन को यूज़ कर रहे हैं, क्योंकि उनको बहुत ही जल्दी यहाँ पे जो एंड्रॉयड 10Q का अपडेट है वो भी देखने के लिए मिल जाएगा, मतलब टेस्ट करने के लिए मिल जाएगा। बहुत ही जल्दी जो यहाँ पे सैमसंग है वो बहुत तेज़ी से यहाँ पे वर्क कर रहा है और बहुत ही जल्दी जो अपडेट है आपको यहाँ पे देखने के लिए मिल जाएगा जितने लोग भी सैमसंग के स्मार्टफोन को यूज़ कर रहे हैं और उनका स्मार्टफोन यहाँ पे एंड्रॉयड 10Q के एलिजिबल है। दोस्तों, यही था कुछ इस वीडियो में, तो आशा करता हूँ छोटी जानकारी को समय आ गई होगी। वीडियो पसंद आए वीडियो को लाइक कमेंट से जरूर कर दीजिएगा। अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर लीजिएगा।